गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस सी अड्डा प्लस एसबीटी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। ये जो है सेमेस्टर वन का है, फिजिक्स का चैप्टर है, जिसे वर्क पावर एनर्जी ग्रुप वन का। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप वन ग्रुप टू का सारा वीडियो इसमें अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सेमेस्टर सिक्स, सिविल सेमेस्टर सिक्स, सारा का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्क, क्या है वर्क, व्हाट इज़ वर्क। तो द वर्क इज व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट अंडरगोस सम डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क फोर्स। मतलब बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, गुणनफल को कार्य बोलते हैं। जैसे देखिए, एक कोई वस्तु है जो बल, जिस पे बल दिया जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है यहाँ पे पहुँच गया। इसे ही क्या बोलेंगे हम, वर्क बोलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम वर्क बोलेंगे, जिसमें एफ का मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और एस मीन्स हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ वो वस्तु आ गया। इसी को हम बोलते हैं वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब इसमें एक नोट है, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट बाय द फोर्स, द वर्क बाय द फोर्स इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो कोई भी चीज़ में, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाए तो उसका जो वर्क होगा वो जीरो माना जाता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए कि कूली है, अगर वो स्टेशन पे खड़ा है कोई भी सामान लेके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसका जो वर्क है वो जीरो है, चाहे वो कितना भी सामान लेके क्यों ना कितने देर भी खड़ा रहे। अगर उसमें से डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी उसका जो है वो वर्क हुआ। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरह से वो वर्क हुआ। जैसे देखिए, यहाँ पे एक वस्तु रखी है और यहाँ से एफ साइन थीटा है, एक थीटा है, और यहाँ पे वो दूसरी वस्तु, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, मान लीजिए साइन थीटा अगर जीरो हो, थीटा का मान हम अगर जीरो ले लें, मतलब साइन अगर जीरो हो तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। इस तरह से वन न्यूटन मीटर इजकल टू वन जूल, या फिर वन जूल 1000 जूल इजकल टू 1 किलो जूल होता है। अब चलिए जानते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, तो मतलब धनात्मक कार्य क्या होता है। तो व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एज डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द वर्क फोर्स, वर्क डन इज पॉजिटिव। मतलब कि जो कोई भी अगर हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं और वो जो है सो क्या हो, डिस्प्लेस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स जो है बल की दिशा में वो फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। जैसे देखिए, एक वस्तु रखी है, इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो है एफ की दिशा में, मतलब कि वस्तु की दिशा में ही ये जो है देख रहे हैं, यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ, वस्तु की दिशा में ही जो कार्य कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। चलिए हम जानते हैं नेगेटिव वर्क डन। देखिए, व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एज डिस्प्लेसमेंट इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द वर्क, देन वर्क डन इज नेगेटिव। मीन्स अगर कोई वस्तु है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ ना जाके, मतलब फोर्स की तरफ ना जाके उसके विपरीत वो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। जैसे एक बॉल रखिए, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक लिमिट तक जाके वो नीचे चले आना चालू हो जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर आना चालू हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है, तो वो क्या है, एक नेगेटिव फोर्स को दर्शा रहा है, तो यही नेगेटिव वर्क डन हुआ, उसी को बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। अब चलिए जानते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अगेंस्ट किस तरह से जो है सो वर्क डन काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, इसका जो हम डेफिनेशन लिखना भूल गए थे, तो देखिए, वर्क डन इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई अगर वस्तु है